ये सभी सम्मानित बुजुर्गों को निवेदन है कि वो पीछे खड़े न रह करके आगे आकर के सभी पर अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि एक सभा का रूप गांव धाड़ी प्रगाट के लिए आम चोट सभा का रूप दे सके। सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि वो आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मैडम आपके बीच में एक मिनट में पहुंचने वाली है, आपकी सभी साथी मैडम के जोरदार नारे लगा करके उनका स्वागत करेंगे। स्वर्गीय तारू उदय मैडम रहे, स्वर्गीय तारू उदय मैडम ¡Gracias!
अब सभी से हाथ जोड़ के बैठ जाओ भाई। ये हमारे प्रधानमंत्री के बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ 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 जाओ बैठ जाओ बहुत ईमान और सम्मान के होके उतने ऊपर ना आज करके बहुत ही मान और सम्मान के योग्य उतने आते हुए तरुण देवलाल की प्रतिमूर्ति हमारे प्रिय नेता भाई अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी भावी मुख्यमंत्री जेजेपी के भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री की माता जी और नारी शक्ति महान नारी शक्ति का प्रतीक आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी हमारे गांव घाई में पूछने पर मैं आपका सभी गांव वासियों की तरफ से सर झुकाकर गांव में पूछने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये गांव वालों की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये गांव कौन भाई अजय चौटाला का घर है। इस गांव में भाई अजय चौटाला ने बहुत काम किए बड़े रोजगार किए तो ये गांव हमारा भाई का अपना अजय चौटाला का संबंध है। तो मैं गांव की तरफ से आश्वासन दिलाता हूं कि आपकी भारी बहुमत से गांव के आशीर्वाद से आप भारी बहुमत से जीत कर पाएंगे यह आश्वासन। गांव में दूध लेकर बीजेपी के जिला प्रधान ये हमारे अब आपके सामने हमारी प्रिय नेता नारी शक्ति की प्रतीक श्रीमती नैना जी चौटाला जेजेपी पार्टी की उम्मीदवार भावी विधायक भावी मुख्यमंत्री की माता जी आपको संबोधित करेंगे। पूरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों भारी संख्या में खड़े मेरे नौजवान बच्चों और उससे भी ज्यादा आई हुई मेरी मातृ शक्ति हम उम्र मेरी बहनें और पूरा सम्मानित मंच मैं इकट्ठा होने पे सबका एक एक व्यक्ति विशेष का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ आपको। सबसे पहले तो कहूंगी कि आपने जो प्यार और जो मान सम्मान दिया है ना पहले अजय सिंह जी को जेल में जाने के बाद मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिए। मैं हमेशा आपकी मैं तो कहूंगी मैं तो ऋणी होती जा रही हूँ दिनों दिन। भगवान करे जल्दी से अच्छा टाइम आए और उसको ऋण को चुकाने का वक्त जो है ना वो समय हमें मिले कि हमें एक पाई पाई का आपका जो कर्जा हमें डरता जा रहा है वो चुकाने का मौका भगवान देता हूँ बता रहे अजय सिंह जी की कर्म भूमि है और आप लोगों की बदौलत मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साहस जो है वो मुझे बाडरा लेके आए। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप लोगों ने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का राज जो हम लोगों ने देखा है वो मेरे से ज्यादा मैं कहूंगी हर आदमी भुक्त भोगी है। एक एक व्यक्ति विशेष चाहे वो हमारे किसान ले लो चाहे नौजवान बच्चे ले लो चाहे वो मेरी बहन और बेटियां ले लो चाहे वो व्यापारी वर्ग ले लो चाहे वो कर्मचारी वर्ग ले लो हर वर्ग ने 5 साल में मैं कहती हूँ कौन सा वर्ग ऐसा है जिसने धरने और प्रदर्शन नहीं किए। यहाँ जो भी पीछे किसान आंदोलन इतना लंबा धरना चला था 152D राष्ट्रीय राजमार्ग वाला और यहाँ से रामेश जी शहीद हुए थे उस दिन से राम अवतार जी
मतलब सरकार ने आंखें बंद कर ली, जो सरकार ये कह रही थी कि राज ले आओ। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जो घोषणा पत्र था ना उनका, उनमें ये था कि भारतीय जनता पार्टी का राज ले आओ, कर्जा माफ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप राज ले आओ, 2 लाख बच्चों को हरियाणा में रोजगार दे देंगे, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, हर दीवार बस स्कूल हॉस्पिटल। पर आप सारे इस चीज के गवाह हो कि कौन सा अपना कर्जा माफ कर दिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? तीनों दिन मैं कहूंगी किसान जो है वो पहले से भी 4 गुना कर्जाती हो गए, क्योंकि चाहे वो कर्जा हमने बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए लिया हो, चाहे वो कर्जा हमने घर बढ़ाने के लिए, चाहे वो खेत के लिए लिया हो। आज किसान जो है वो खेतों में पानी के लिए तड़प रहा है, पानी नहीं है खेतों में किसी भी टेल पर। पीने का पानी के लिए जाओ गांव में, पानी की डिग्गियां खाली पड़ी है, बार बार अधिकारियों को फोन करो तो कहते हैं जी रात को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर पानी बंद कर देते हैं। मतलब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नौजवान बच्चे जो है हमारे, उनको देखो ये घर में एक नहीं चार चार बच्चे बेरोजगार घूम रहे। और जिस सरकार ने ये वादा किया था कि हरियाणा में 2 लाख बच्चों को हम रोजगार देंगे, और जब रोजगार की बारी आती है ना बच्चों में, तो बच्चों को बहुत अच्छी खुआई इन 5 सालों में। यहाँ के बच्चे को वो सिरसा दवाड़ी भेजने का काम किया, दवाड़ी के बच्चे को वो फरीदाबाद भेजने का काम किया। हाँ बसों में धक्के खिला दिए नौजवान बच्चों को, इनके पास जो 10-15 हजार रुपए थे ना वो फार्म की फीस भरवा भरवा के लगवा के। और जब नौकरी देने की बात आती है तो नौकरी किसको मिलती है? अगर 80 एसडीओ नौकरी लग रहे हैं तो उनमें से 2 बच्चे जो है वो सिर्फ हरियाणा के लग रहे हैं, बाकी 78 के 78 यूपी और गुजरात के बच्चे लग रहे हैं। क्यों फिर आप हमें धोखा दे रहे हो? क्यों नौजवानों को आप बसों में घुमा रहे हो जब आपने नौकरी यूपी रूम को देनी है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार जो है वो नागपुर से चल रही है, वहां से इशारा होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ऐसे झूठे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। आज का समय जो है वो बदलाव का है। आज हरियाणा की जनता जो है वो बदलाव मांग रही है, और ये बदलाव कहां से शुरू होगा? गांव की चौपाल से। जब हम बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नाकाम कामों की चर्चा करेंगे, हम लोग ये कहेंगे बैठ बैठ के चौपाल में कि नौकरी देने की बात करने वाली सरकार ने हरियाणा में बच्चों को नौकरी नहीं दिया। आज कहते हमने पर्ची का जमाना बंद कर दिया। भाई पर्ची तो लोग तभी देंगे ना जब आप नौकरी लगाओगे, बिना नौकरी किसको पर्ची दोगे आप? आज बहन बेटियां जो है उनके लिए कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ बचाओ लड़कियां बहुत अच्छी बात है, पर उन बेटियों के लिए कुछ ऐसा तो करो ताकि वो बेटियां अपने पैरों पे खड़े हो। जब शिक्षा की बात आती है तो नया स्कूल खोलने का नाम नहीं लेते। ये नहीं चाहते कि हरियाणा की जनता जो है वो साक्षर बने, ये नहीं चाहते कि हरियाणा में अच्छे अच्छे स्कूल बने। सिर्फ और सिर्फ 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया। जिस भी वर्ग ने इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया वो चंडीगढ़ अगर यहाँ धरने के लिए तो बैठे रहो, कोई अधिकारी नहीं आया। अगर उसी वर्ग ने चाहे वो किसान हो चाहे वो गैस टीचर्स हो चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हो चाहे वो आशा वर्कर्स हो, जिसने यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ रुख किया है ना, सिवाय तोपों में डंडों के और कुछ लेकर लोग वापस नहीं आए, सिर्फ डंडा परेड हुई है। इन 5 सालों में जितना लाठीचार्ज में कहूंगी महिलाओं पर हुआ है ना, कभी रात को सबने की है, कांग्रेस ने भी किया है, जो देवलाल का टाइम भी था, चौटाला साहब का टाइम था, पर महिलाओं को इतने डंडे नहीं पड़े जितने इस सरकार में पड़े। और ये मारे भी क्यों ना, मैं कहूंगी खट्टर साहब जब बस में बैठ के आप लोगों की तरफ हाथ ही लाया जाके इधर से भी गए होंगे सारे, वो आप लोगों को एक इशारा कर रहे थे, कह रहे थे भी तुम लोग कितने भोले हो, हरियाणा की जनता जो है वो कितनी भोली और नादान है कि मैं इनको चंडीगढ़ गए हुए तोपों में डंडे दे रहा हूँ, फिर भी वोट किसको दे रही हरियाणा की जनता? कमल के फूल को। मैं इनके बच्चे नौकरी नहीं लगा रहा, इनसे फार्म भरवा रहा हूँ, जब नौकरी मैं दे रहा हूँ तो गुजरात और यूपी के बच्चों को दे रहा हूँ, और डंडे कौन खा रहे? हरियाणा के नौजवान बच्चे, और फिर भी वोट किसको दे रहे? कमल के फूल को। बहन बेटियों की बात करने वाले, आज सबसे ज्यादा अगर हम अखबार उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा बलात्कार की, किडनैपिंग की, लूट खसोट की, एटीएम लूटने की, हर वारदात जो है वो सुबह अखबार में सबसे पहले मिलती है। और वादा क्या करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।
इन बातों से बेटियां नहीं पढ़ेंगी। आज लोग कहते हैं विकास कर दिया विकास कर दिया, मैं कहती हूँ अगर गलियां बनवाना विकास है तो ये पेट किस चीज से भरेगा जिसके लिए हर आदमी मारा मारा घूम रहा है। पेट भरेगा जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि ये समय जो है वो बदलाव को है, बदलाव की आंधी जो है वो गांव की चौपाल से शुरू होती है और ये आंधी जो है मुझे लग रहा है आज ढाणी फुगाड़ से शुरू हो चुकी है और ये आंधी पूरे हरियाणा में मैं कहती हूँ तूफान एक वो ये जो ढाणी फोगाट है, ये जो आज आप लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हो, ये तूफान आप देखना एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे हरियाणा में हलचल मचा देगा। जननायक जनता पार्टी का राज जो है वो हरियाणा के चंडीगढ़ सचिवालय के द्वार पर खड़ा है। हिम्मत आप लोगों ने करनी है, ऐसा बवंडर उठा दो कि पूरे हरियाणा में आपके विधायक जो है वो जीत कर चंडीगढ़ पहुंचे और आपका मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले मैं माताओं से कहूंगी कि जितनी भी बहन बेटियां सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि पहली कक्षा से लेकर चाहे बेटियां बारहवीं करें, चाहे वो बीए करें, चाहे वो पीएचडी करें, हर लड़की की सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली शिक्षा बिल्कुल फ्री करने का काम करेंगे। और इसके लिए भी मैं कहूंगी, दुष्यंत से मैं बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ, मैं इनका जो कानून बनाओ वो ऐसा बनाना दुष्यंत कि आगे कोई उस कानून को बदल ना सके, जैसे दादाजी ने पेंशन वाला बनाया था। कोई उसको बढ़ाने का ही काम करे, कोई सरकार उसको घटाने का काम ना करे। कभी भी कलम चलाओ तो पेंशन जो है मौजूदा सरकार 2000 रुपए दे रही है उसको बढ़ाकर 5100 रुपए करने जा रहे हैं। 5000 रुपए 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का काम करें। और जो उम्र है वो महिलाओं की जो है वो 60 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष और पुरुषों की जो है वो 60 से घटाकर 58 वर्ष करने का काम करें। और जो मेरे नौजवान बच्चे खड़े हैं जिनको आज हरियाणा सरकार बसों में धक्के खुआने के सिवाय कोई चीज नहीं दे रही, उन बच्चों के लिए कहूंगी कि दुष्यंत ने विपक्ष में रह के भी रोजगार मेरा अधिकार एक मुहिम चलाई थी जिसमें 460 बच्चों को उसने प्राइवेट कंपनीज में नौकरी दिलवाई थी। साथ वही दुष्यंत है आप लोगों के लिए 75% का आरक्षण लाकर, और ये 75% वाली कलम भी ऐसे चलेगी कि हरियाणा में इसको कोई भी सरकार चाहे वो पीढ़ियों तक चले वो बदलेगी नहीं। ऐसा कानून बनाएगा कि 75% आरक्षण लाके हर घर से एक मजबूरी हो जाएगी कि हर घर से एक बच्चे को रोजगार देना ही देना पड़ेगा। तो दुष्यंत घर घर से बच्चों को रोजगार देगा। किसानों के लिए मैं कहूंगी कि पहली कलम से किसान मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। ये काम जो है कर्जे माफी वाला ये सबसे पहला काम मैं कहूंगी जननायक जनता पार्टी जो कलम चलेगी वो इसी पे चलेगी कि किसान मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम जेजेपी पार्टी करेगी। आज यहाँ पानी की बहुत भयंकर समस्या है पूरे बाड़े हल्के में। मैं कहूंगी पानी जो है वो बहुत कम है, आप लोगों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री देने का काम करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। जो बच्चे आज फार्म के इतने इतने पैसे देते हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि चाहे कोई भी टेस्ट हो सिर्फ 100 रुपए में आपके सारे फार्म भरे जाएंगे। ये जो एचटेट का पेपर होता है अभी एक पेपर उन्होंने और बनाया उसके लिए मैं कहूंगी कि बच्चों के ये जो पेपर के ऊपर उन्होंने और टेस्ट लगा रखे ना ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म करके जैसे चौधरी देवीलाल जी ने नौकरी लगाए थे ना वैसे ग्रामीण अंचल के बच्चों को जब नौकरी देंगे तो शहरों से ज्यादा आप लोगों को 10% नंबर जो है वो ज्यादा देने का काम करेंगे। क्योंकि शहर और गांव का बच्चा सिर्फ पढ़ाई में मार खाता है बाकी वो उनसे तेज होता है। और बहुत सारी घोषणाएं हैं चाहे वो 6800 गांव में आरओ सिस्टम लगाने की बात हो चाहे वो हर गांव में मोबाइल डिस्पेंसरी लाने की बात हो, पर सारी बातें सारा घोषणा पत्र तभी संभव है जब हम एकजुट होकर एक ताकत बनकर जननायक जनता पार्टी को जिताकर आप अपने विधायक को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। यादव साहब जी, जय जी जी।
और जो चुनाव चिन्ह है वो अपना चाबी का निशान है। तो 21 अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम तक मैं कहती हूँ इतनी चाबी के आगे टीटी टीटी बजा दो कि अपनी तो टीटी टीटी बजती रहे और भाजपा कांग्रेस की सिटी पिटी गुम होती रहे। तो आप सारे एकजुट होकर, क्योंकि आप अजय सिंह जी के साथ आप लोगों का बहुत ज्यादा लगाव है, और मैं कहूंगी कि सिवाय उन नौकरियों के, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपने यहाँ कितना रोजगार मिला, कोई नौकरी वगैरह मिली है? आज इन्होंने एक बी ग्रुप की नौकरी को, मैं बार बार कहती हूँ, मैंने कहा इतना ढिंढोरा पीट दिया पूरे हरियाणा में, जैसे हमारे तो पता नहीं कितने बच्चे जो है वो एसडीएम लगा के छोड़ दिया, पीएचडी एमफिल एमए किए हुए बच्चे, मतलब एक अंतर है ना, मन में इतनी पीड़ा होती है मुझे तो, और मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब मैं महिलाओं लड़कियों को देखती हूँ ना, बीए बीएड की हुई, एमए एमफिल की हुई लड़की, और जब वो चूल्हे के पास बैठ के रोटी बनाती है, मुझे तो बड़ा दर्द होता है। मैं सोचती हूँ क्यों पढ़ाया आपने इनको, इससे अच्छे तो पहले घर गृहस्थी वाले सिखा देते काम, क्यों इतने साल उन लड़कियों के खराब किए हमने। तो मैं मेरी माता शक्ति को कहना चाहूंगी कि आप लोगों का तो बीजेपी का राज आने पर ऐसा जुगाड़ कर दूंगी कि आप सारी उम्र लड़की मायके में कुंवारी और तत्सर रहे, और शादी के बाद जब वो ससुराल जाएगी वो भी उसकी कदर करेंगे, ऐसा बहन बेटियों के लिए जुगाड़ कर आप सब आए, आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार। मैं तो अजय सिंह जी से मेरी बात हुई थी तो बोले न्यालोगी पार्टी जाके तो मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं कि लोग इतना ज्यादा आपसे प्यार करते, तो उस प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।